नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं खुट्टा साहित्यकारों के बारे में। और ये खुट्टा साहित्यकारों की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशनड है। और हम वही साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट है हमारे JCC CGL से। तो हालांकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 17 से 19, 2 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा दिसंबर में। तो अगर आप हैं यहाँ पे तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए और इस पे ध्यान देके 3 दिन जो परीक्षा होगा, हो सकता है दिसंबर में आपका कंफर्म ही हो जाए, तो आपको प्रैक्टिस अब से शुरू कर देना चाहिए। तो आज हम साहित्यकारों को पढ़ेंगे। जो साहित्यकार हमारे हैं, सबसे पहले भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जो कि व्याकुल के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा है हमारा श्रीनिवास पानुरी जी, ए के झा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पानुरी जी और ए के झा। विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक और श्याम सुंदर महतो श्याम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन 1 2 3 और ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट साहित्यकार हैं जो आपको, क्योंकि इनसे भी बहुत सारी कविता और नाटक वगैरह में इससे ही सिलेबस में दिया हुआ है खुट्टा का, मैं बात करूँ तो इसकी ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो है साहित्यकार वो है हमारे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जो कि इनका शॉर्ट फॉर्म एक है नाम इनका, व्याकुल जी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो व्याकुल जी के नाम से आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के नाम से फेमस है। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो है व्याकुल जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोलने से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनसे लोकगीत वगैरह जैसे CCGL के सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए इसकी कुछ परिचय देते हैं, व्यक्तित्व परिचय इनका लेते हैं। जन्म है 17 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ है, उपनाम इनका व्याकुल। पता जो है माथाडीह गिरिडीह से है, और बाद में जी इनका परिवार जो है हजारीबाग के विशुनगढ़ में आकर बस गया। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में गिरिडीह, कहाँ जन्म हुआ तो गिरिडीह में दीजिएगा, और कहाँ रहते थे तो विशुनगढ़ हजारीबाग में, ये ध्यान देके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पिताजी का नाम था बलदेव उपाध्याय, माता का नाम था शांति देवी, दादा का नाम था अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। तो ये सब आपके, तो दादाजी का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन माता पिता का नाम इम्पोर्टेंट है। मृत्यु इनका 17 सितंबर 1984 को ये याद रखिएगा, 1984 सितंबर याद रखिएगा। प्रमुख कृतियाँ जो हैं इनकी, उर्दू और हिंदी दोनों में ये लिखते थे अपने। तो उनके सफ़र का साथी कविता संग्रह है, एक कलामे व्याकुल कविता संग्रह है, तराना ए व्याकुल कविता संग्रह है, छोटा नागपुर कविता संग्रह है। ये कविता संग्रह ये हिंदी में और उर्दू में लिखा गया है। और खुट्टा में अगर बात करें तो मदल ध्वनि मधुर ताल गीत संग्रह है, और मादल गीत ये भी संग्रह है। किसानों का अंतर्नाद ये है आपका गीत संग्रह है। और अगर मैं बात करूं तो एक आपका इनका जो है, आप देख सकते हैं उर्दू में एक हुस्नो इश्क जो है शायरी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं, इस तरह का इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि इसके बारे में मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ इसको, क्या आपको पढ़ना सही रहेगा। तो इनके बारे में जीवनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके बारे में पढ़ आप इनके बारे में पढ़े होंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे जब भी खोटा भाषा के साहित्य का नाम आता है तब अनायास ही भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का नाम सामने चल आता है। खोटा भाषा के साहित्य के मध्यकालीन साहित्यकार जो एक प्रखर वक्ता, साहित्यकार, गीतकार, कवि, स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये देखिए सारे इनकी जीवनी है। व्याकुल जी उस समय खोटा के गीत और कविता का मंचों पर पाठ करते थे। जिस समय खोटा भाषा का प्रयोग सभा सो सो देखिए सोसाइटी सोसाइटी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वर्ड है पर यहाँ सोसाइटी लिखा हुआ है, में करना लोग ठीक नहीं समझते थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा को ऊंचा दर्जा देते हुए कई प्रसिद्ध रचनाएं खोटा भाषा में करने का काम किए, जो आज भी लोगों जु की जुबान पर है। जैसे छुआ दुलार कविता, मैं नीचे कर दूं एक बार, ये दुलार कविता, हाँ जी, तो यहाँ से छुआ दुलार कविता इसकी एक वानगी है, जिसमें वे समाज की विकास के लिए शिक्षा के मार्ग पर चलते बच्चों को देखकर प्रसन्न है। बच्चों के हाथों में पेंसिल का में किताब, कांक किताब जो बगल में जो दबा के चलते हैं उनकी बात की गई है।
और वो स्कूल जा रहे हैं, जिसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं यहाँ पे। देख, एक छोटा सा कविता लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। ओ हमर बाबू हमर सोना, ये हमर बाबू हमर सोना की अगर बात करें, यहाँ पे बाबू सोना की बात नहीं की गई, ये बच्चे की बात की गई है। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, सुन अकली सुन गे खगिया, ऊंचा करेजा आए जे भेल। अब देखिए, ये जो बच्चे की बात की कर गई है, जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसके संदर्भ में बोला गया है कि उसके बच्चा जो पढ़ने जा रहा है उसको देख के, सुन अकली और खगिया मतलब अपने सहेली या दोस्तों को बता रहे हैं कि उनका करेजा जो है, करेजा मतलब हार्ट, वो खुशी से झूम गया है, खुश हो गया है क्योंकि उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है। इस कविता में उनकी प्रगतिशील विचारधारा साफ झलकती है। व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 को हुआ गिरिडीह में, ये तो मैंने बता दिया। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो था वही यहाँ पे लिखा गया है। देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है हमें। और हालांकि मैं बोलूँगा कि इस, मैं आपको पूरा ये दिखा देता हूँ एक बार, ताकि अगर आप स्क्रीन शॉट लेके पूरा पढ़ लें। हालांकि हम इसका जो है एक क्वेश्चन आंसर्स सेट करेंगे, ताकि आपको जो है इससे व्याकुल जी की रचनाएं के बारे में और इसके बारे में जो है पता चल जाए। तो ये है पूरा, इसके स्क्रीन शॉट आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ के फिलहाल। तो व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च को हुआ था 1908 को गिरिडीह में, समीप महात डी नामक गांव में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार हजारीबाग शिफ्ट कर गया। तो जो मैंने बताया, जिला विशुनगढ़ में आकर रहने लगे। व्याकुल जी जब 6 माह के थे, तो एक मिनट, हाँ 6 माह के थे, तभी उनके पिता पंडित बलदेव उपाध्याय का देहांत हो गया था। जो 6 महीने के तब बलदेव जी का देहांत हो गया था। इनकी देखभाल इनके दादा पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने की थी। तो इनकी देखभाल इनके दादाजी ने की थी। अपने दादा से ही सबसे पहले उन्होंने भाषा व्याकरण का ज्ञान पाया। जब वे 11 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, तब इनका घर घर में के मन नहीं लगता था, मतलब घर में इनको मन नहीं लगता था जब पढ़ाई करते थे, और वे घर से भागकर काशी चले गए। काशी, ये यूपी की बात की गई है अब यहाँ से। हालांकि कुछ दिन बाद वे लौटकर घर आ गए, मगर इस क्रम में उन्होंने दुनिया के बड़े नज़दीक से देखा। बड़े नज़दीक से होते, क्योंकि बाहर जब भी जाता है इंसान तो बाहर का माहौल देखता है, वही बात की गई है। मगर इस क्रम में उन्होंने दुनिया को बड़े नज़दीक से देखा और जाना। व्याकुल जी सिर्फ खोटा ही नहीं, हिंदी उर्दू में भी रचना करते थे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है किस किस लैंग्वेज में करते थे। हिंदी उर्दू खोटा, ये तीनों में आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप खोटा मारिएगा तो गलत हो जाएगा, तीनों मारना पड़ेगा। ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है इसका आंसर, है ना। तो रचना करते, अपनी गीतों और कविताओं के जरिए वो लोगों को जानने का काम करते थे। अपने देश और मातृभाषा तथा योगों के प्रति, तथा लोगों के प्रति होना चाहिए, योग लिखा हुआ है, प्रति उन्होंने मन में दर्द और प्रेम था। वह समय अंग्रेजी शासन का था, पूरा देश अंग्रेजों के शोषण और गुलामी से त्रस्त था। ऐसे समय में हमारे व्याकुल जी सरीखे लोग भला कैसे चुप रह सकते थे। व्याकुल जी जो थे, जो सरीखे लोग, जो शरीफ शरीफ सरीखे जो भी हैं यहाँ पे, चुप रह सकते थे। जिनके भीतर पहले से राष्ट्रवादी खून उबल मार रहा था, वो कैसे चुप रह सकते थे। वही बात करें, जब हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी था, तो वहाँ से, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे तो उनकी, और कवि भी थे, तो उसी की बात की गई है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ। तो वीर क्रांति भी, हाँ वह समय आया जब पूरा देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बज उठा। हमारे व्याकुल जी भी क्रांति के रास्ते पर चल पड़े। इस क्रम में उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा, जेल भी गए थे। तो ये आपको याद रखना है, व्याकुल जी किन में से कौन, किस साहित्यकार को जेल भी जाना पड़ा था, तो व्याकुल जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वह समय 1930 तक था जब क्रांति करने की वजह से हजारीबाग जेल में बंद थे। कौन से जेल में बंद थे, तो हजारीबाग जेल में ही बंद थे। इनकी मुलाकात हिंदी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान रामवृक्ष बेनुपुरी जी से हुई। बेनुपुरी से, देखिए, रामवृक्ष प्रसिद्ध विद्वान किन से मिली, बेनीपुरी जी से। बेनुपुरी जी के संग उन्होंने जेल में कुछ समय काटा। रामवृक्ष बेनुपुरी जी का प्रभाव व्याकुल जी पर पड़ा। बेनुपुरी जी का उस समय जेल से अस्थलिखित कैदी नामक पत्रिका का निकालते थे। देखिए, पत्रिका, वहाँ से एक हस्तलिखित जो है आपका, बेनपुरी जी उस समय जेल से हस्तलिखित कैदी नामक पत्रिका, कैदी नामक पत्रिका, हस्त मतलब हाथ से लिखी हुई एक पत्रिका वो निकालते थे।
इसकी पत्रिका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की पहली रचना कवि व्याकुल के नाम से प्रकाशित हुई, है ना। तो ये जो कविता है कवि व्याकुल के नाम से प्रकाशित हुई, भुवनेश्वर जी शर्मा ने इनकी पहली रचना को प्रकाशित किया। इसके पश्चात इनकी खिली कविताएं लगातार लिखी लिखी माफ करिएगा लिखी कविताएं लगातार जो है आपको प्रताप, वर्तमान, ये सब सारे कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वमित्र, हिंदू, ये सब सारे कविताएं हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति जैसे हिंदी उर्दू पत्रिकाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा है ना। तो यहाँ से वो फेमस हो गए, वहाँ से अब लिखना शुरू कर दिया, पब्लिकेशन शुरू हो गया उनका। मखन लाल चतुर्वेदी जी ने इनके विषय में कहा है, व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी के राष्ट्र कविताएं सुन के मुझे बहुत प्रसन्न हुई। ये कवि हैं और राष्ट्रीयता इनमें कुटकुट कर भरी है। ये देखिए इनको राष्ट्रीयता कुटकुट भरी है, ये बताया किसने बताया, तो मखनलाल चतुर्वेदी जी ने। नोट है यहाँ पे, देखिए नोट करने की बात है, 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने में व्याकुल जी का योगदान था। आज़ादी की लड़ाई में सिलसिले में व्याकुल जी 1825 ईस्वी में कांग्रेस से जुड़े, देखिए हाँ किस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन देखिए बन सकता है यहाँ से, ये किस नेता जो थे, ये एक नेता थे और किस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये गांधीवादी अर्थात नरम दल की विचारधारा थी, क्योंकि गांधी जी देखिए कांग्रेस से जुड़े हुए थे और नरम दल गरम दल आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि नरम दल से ये रिलेटेड करते थे, धारा है ना, विचारधारा वाले कांग्रेसी थे। अब तो कांग्रेसी थे। हजारीबाग के पहले सांसद बाबू राम नारायण सिंह व्याकुल जी को बहुत सम्मान देते थे। जो बाबू राम नारायण सिंह व्याकुल जी राष्ट्रीय कवि कहकर पुकारते थे, उनको राष्ट्र कवि कौन कहते थे, राम नारायण सिंह, ये आपको याद रखना है। व्याकुल जी बाबू राम नारायण सिंह के साथ रहकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार और समाज सेवा का काम किया करते थे। इसी सिलसिले में के दौरान इनकी मुलाकात सरस्वती सुशीला देवी के साथ हुआ और फिर यह मुलाकात प्रेम से विवाह तक बदल गया। अब देखिए सुशीला देवी से हुआ और उन्हीं से इनका विवाह भी हो गया, ये बताया गया है, प्रेम प्रेम से विवाह हो गया। सरस्वती सुशीला एक विधवा महिला थी, एक देखिए एक विधवा महिला थी जो सरस्वती सुशीला जी थी, विधवा महिला थी। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की भतीजी थी। इस प्रकार हमारे ब्राह्मण व्याकुल जी ने अंतरजात्री विवाह किया, देखिए एक अलग कास्ट की थी वो बताया जा रहा है, और इसलिए अंतरजाति विवाह किया उनको भी बताया गया है, विवाह कर लिया। उस समय समाज रूढ़िवादित जाति पाति ये थे जो है ना, जातिवादी जो है वो ऊंच नीच छुआछूत चरम पर था, फिर भी उन्होंने अंतरजातीय शादी कर ली, ये बात की गई है। 1925 ईस्वी में व्याकुल जी गांधी जी के संगत में आए और क्रांति के अब देखिए अब दिखाते हैं आपको, तो क्रांति के साथ आए, हरिजन उत्थान के काम में लग गए, हरिजन उत्थान के काम में भी लग गए। अंतर जातीय विवाह करना इनको समाज में खूब विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय की बात है तो देखिए उस समय आज़ादी से पहले और थोड़ा बाद में भी, अभी भी होता है अंतर जातीय विवाह पर लोग तंज कसते हैं, तो उसकी बात की गई, विरोध का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी इनके मन जाति पाति और ऊंच नीच के प्रति विरोध बढ़ता गया, फिर भी ये बढ़ता गया, ऐसा नहीं कि सब विरोध कर रहे थे, कि जाति पाति को मानने लगे, फिर भी वो विरोध करते रहे, तो वही बात की गई है। अब यहाँ से बात करेंगे तो व्याकुल जी का जो है 17 सितंबर इतना को हम लोगों को छोड़ कर चले गए, ये इनका देहांत हो गया 84 में, ये याद रखिएगा 17 सितंबर 84 में जो है आपका इनका देहांत हो गया। व्याकुल जी की रचनाएं की कुछ हम लोग ध्यान देंगे, तो खोटाभाषी के साहित्य रूप देने का भागीरथ जो है प्रयास व्याकुल जी ने किया। समय समय से इनकी रचनाएं विशुनगढ़ के सुखद खोटा साहित्य कुटीर से प्रकाशित होती रही। इनकी रचनाओं में प्रेम, राष्ट्रवाद, विरह, ज्ञान और माँ के महत्व का साथ साथ दुलार का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, व्याकुल जी में राष्ट्रवाद कुट कुट भरा था, जैसे कि उनकी रचना में दिखता है। इसका नमूना देखिए, नौजवा या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, ये देखिए नौजवा जो है
या तो गुलामी को मिटाकर दम ले ये इनकी, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम ले। ये देखिए है ना, ये बोल रहा, या तो गुलामी को मिटाकर दम ले या तो अपना ये बता सर कटाकर दम ले। ये देखिए राष्ट्रवादी की ये इनकी झलक दिख रही है। अब मैं बात करूं नीचे, तो कला में व्याकुल, देखिए कला में व्याकुल ये जो है एक रिवॉल्ट कहे थे, कला में व्याकुल 1939 में व्याकुल जी की पहली रचना कला में व्याकुल जो 1939 में विष्णुगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको पूरा दिखा दूँ। ये देखिए इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर ये एक रचना है ना इनकी रचना, ना ही कोई अलग ना आन गो, एक सभी हिंदू मुसलमान गो, राम रहीम एक, कृष्णा करीम एक, एक खुदा अल्लाह भगवान गो, जकरा लागी हमें घर दर त्यागुल, देखे त्यागलू त्यागलू मतलब त्याग देना हो, यहाँ पे खोटा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। जकरा लागी हमें घर त्यागलू, यहाँ घर द्वार जो होना चाहिए, शायद हो सकता है मिसप्रिंट हो, घरलू जोगनिया के भेष, अब जोगनिया के भेष मतलब जोगन जो आप सकते हैं साधु महाराज जो जोगन बन जाते हैं वो बात के गया है। जेकरा लागी, एक मिनट में क्लियर कर दूं, जेकरा लागी मोर हाड़ मास सुखी गेल, से हीरे विदेशा चली गेल, हाय रे बीड़ी बड़ा दुख भेल, विधि हाय रे बड़ विधि बड़ा दुख भेल, प्रगतिशील विचारधारा की कविता, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगर, ये तो मैंने बात की गई थी। देखिए इस तरह का मतलब ये बता रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, हमर बाबू हमर सोना जो मैंने बताया, और ये देशभक्ति के प्रति, ये आपका सभी हिंदू मुसलमान एक है, राम करीम सब, कृष्णा करीम ये जो है सभी बराबर है, उनकी बात की गई है। तो ये आप पढ़ लें आपका, हालांकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इससे, ऐसा जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारा देखिए ये पढ़ लीजिए आप, ये कविताएं हैं कुछ, और मैं सिर्फ ये बता देता हूँ आपको कि व्याकुल जी को गजाधर माथुर प्रभाकर जो है आधुनिक कला के कवि मानते थे, और आधुनिक युग की शुरुआत जो 1920 से मानते थे। झा जी इनके बारे में बोलते हैं, दिनमणि जी, आकाश खुटी, बीएन ओहदार जी, उनको व्याकुल मध्यकाल के कवि मानते थे। अब ये मध्यकाल के कवि इनको मानते थे, व्याकुल जी को गजाधर माथुर सिर्फ मानते थे आधुनिक, लेकिन ये मध्यकालीन के कवि मानते थे ये सब। बाबू राम नारायण सिंह इनको राष्ट्रीय कवि मानते थे, है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको। अब 1989 में मृत्यु के पश्चात व्याकुल जी को खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो की ओर से श्री श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया। ये कौन सा सम्मान दिया गया, तो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। व्याकुल जी की रचनाएं क्रांतिकारी होने की वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी सारी रचनाओं को जला दिया था। देखिए क्योंकि ये क्रांतिकारी थी तो सारी रचनाएं को जला दिया और कुछ अपने साथ ब्रिटेन ले गए। दुर्गेश, देखिए यहाँ पे अब ये बात की गई कि दुर्भाग्यवश इनकी सभी रचनाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुछ जल गए और कुछ अंग्रेज लेकर चले गए, वही बात की गई यहाँ पे। तो फिर भी जो है वो काफ़ी है हमारे व्याकुल जी को जानने के लिए, तो देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान देखिए। जो हम व्याकुल जी भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में पढ़ेंगे तो इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जैसे जैसे सीजीएल में आप इसे आराम से इजीली क्रैक कर पाएंगे इसके क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो कि व्याकुल नाम खोटा भाषाएं कौन साहित्यकार जीवनी लिखला, देखिए कौन से, देखिए जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नामे खोटा भाषाएं कौन सा साहित्यकार जीवनी लिख ले। अब इस पे कौन सा साहित्यकार व्याकुल जी पे लिखे हैं उनकी बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारितोष कुमार प्रजापति जी ने इनके पर एक जीवनी लिखी है, पारितोष कुमार प्रजापति, ये ध्यान दीजिएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल साहित्यिक कौन विधान विधायक रचना लागे, तो किस इसकी बात, तो विधायक जो की बात करेंगे तो ये एक जीवनी है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है ना उनकी जीवनी है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नामी जीवनी कौन किताबें छपी ले, अब देख कौन से किताब में इनकी जीवनी छिपी गई है छपी गई है उसकी बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दू डायर परास फूल, दू डायर परास फूल में इनकी जीवनी छपी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्याकुल जी का जन्म, देखिए
व्यासगुरु जी का जन्म कखन भेल, ये तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 17 मार्च 1908 में, कन्फ्यूज ना करिएगा, 17 मार्च 1908 में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, और व्याकुल जी का जन्म ठावा काटा छाटा, ये देखिए यहाँ पे व्याकुल जी का जन्म, देखिए ये बोल रहा है ये छाटने मतलब, तो जन्म कहाँ हुआ था वो बात की गई है, तो महाताडी गिरिडीह में हुआ था जन्म, है ना। बाद में वो शिफ्ट कर गए थे हजारीबाग विष्णुगढ़ में, तो इसे कन्फ्यूज ना करिएगा, महाताडी गिरिडीह में। सुखद खोटा साहित कुटीर कहाँ हलई, अब देखिए सुखद खोटा साहित कुटीर कहाँ है उसकी बात की गई है, तो ये है विष्णुगढ़ में, है ना। व्याकुल जी के साहित्य विषय हलय, साहित्य का विषय जो था इनका, तो उनका विषय क्या था ये पूछा गया है, तो इनका सही हो जाएगा प्रेम विवाह, ये प्रेम के और विवाह पे भी लिखते थे, ठीक है। ज्ञान माधिक महत्व, हाँ ज्ञान का महत्व, दुलारे का भाव, जी हाँ, ये सारे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो ये सारा सही होगा आंसर हमारा, सब होगा डी होगा इसका सही आंसर। अब देखें व्याकुल जी कैसन विचारधारा के हले, देखिए कैसे विचारधारा के रखते थे, तो ये होगा बी आंसर सही होगा, प्रगतिशील, प्रगतिशील जो विचारधारा के थे। हमार बाबू हमार सोना, ये जो कविता हमने पढ़े थे है ना, हमार सुगा पढ़े गेल है, सुगा सुन अखली सुन गे खगिया ऊंचा करेजा आइजो भेल, ई केकर कविता लागे, ये तो कोई भी बता देगा आपका, क्योंकि ये पूरा टॉपिक उसी पे रिलेटेड, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी पे, व्याकुल जी की। हालांकि ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब ये मिक्स क्वेश्चन बन के आएगा आपके एग्जाम में यहाँ, तो अभी इसी से रिलेटेड है तो आप आंसर कर देंगे। व्याकुल जी कौन भाषाएं सृजन कर हला, अब देखिए कौन से भाषाएं के सृजन कर हला, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी उर्दू खोटा, क्योंकि ये सभी भाषाओं में लिखते थे, है ना, तो ये का हिंदी उर्दू सभी खोटा में, तो सभी सही सभी होगा इसका आंसर डी होगा आंसर सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो 1930 ईस्वी में हजारीबाग के जेले हिंदी के कौन, तो नामजेजका साहित्यकार के देख ले भाई भेले, तो देखिए जब हजारीबाग जेल गए थे जो कौन से साहित्यकार से जो मिले थे उसकी बात की गई है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी से। बेनीपुरी जी जेल कौन नामे पत्रिका बहराव हल, अब देखिए कौन से पत्रिका बहराते थे मतलब बाहर करते थे लिखने, हस्तलिखित था उनका जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का कैदी, सी कैदी नामक पत्रिका वहाँ से लिखते थे। व्याकुल जी पहिल रचना कौन नामे प्रकाशित भइल, व्याकुल जी का जो पहला रचना था कौन सा नाम से प्रकाशित हुआ, अगर मैं बात करूँ तो इसका आजाद, कैदी, व्याकुल, क्रांतिकारी, जो अपने नाम पे ही किए थे, व्याकुल के नाम से ही किए थे। व्याकुल जी जेल कब गेल, अब जेल कब हुआ था इनको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, डेट से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1930 को गए थे, 1930 ईस्वी में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर ऐसे ही जानकारी हम हमारे चैनल से चाहिए आपको, तो आप हमें हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हम आगे ही भी साहित्यकारों की अपलोड करेंगे वीडियो लेक्चर, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट कीजिए कि हाँ अपलोड करिए, वरना अगर मोटिवेशन नहीं मिला और वीडियो में कम व्यूज़ नहीं आया तो हो सकता है आगे अपलोड ना करूँ मैं। तो चलिए व्याकुल जी, एक जो मैं आपको बता दूँ जो हमारा खोटा साहित्यकार हैं उनमें व्याकुल जी, हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया, 2 3 4 5 6 7 ये जो है बाकी के हम बाद में करेंगे, तो व्याकुल जी हमारा कंप्लीट हो गया, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बताता रहूँ और आपको हेल्प हो एग्ज़ाम के रिलेटेड में। धन्यवाद।